हे hey है देखो कभी कभी क्या होते हैं कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है और इस गिरावट के चक्कर में लोग सोचते हैं कि भाई सबसे अच्छा रास्ता है तो माल बेचो और निकल जाओ इससे अच्छा रास्ता कुछ मिलता ही नहीं है देखो मैं आपको बता दूं कि एक स्टॉक को रिसर्च करने में कम से कम तो छः महीने लग जाते हैं केवल एक स्टॉक को रिसर्च करने में और लोग क्या होता है कि एक कंपनी को मतलब एक स्टॉक को तो मिनटों में रिसर्च कर लेते हैं इसी वजह से क्या होता है कि आप बेच देते हो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोग खरीदते हैं जिनको फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तक का लॉस होता है लेकिन वो नहीं बेचते हैं पेशेंस रखते हैं बिल्कुल ऐसा होता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि उनको कंपनी पे भरोसा होता है कंपनी के मैनेजमेंट पे उसके प्रोडक्ट पे उसके फ्यूचर पे और जो कंपनी कर रही है उसके ऊपर हम देखो एक्चुअली में समझो हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने नहीं आए हैं यहाँ पर हम यहाँ पर कंपनी खरीदे हैं कंपनी में हिस्सेदारी खरीदे हैं देखो हम रियलिटी में तो पूरी कंपनी खरीद नहीं सकते भाई नहीं खरीद सकते तो कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीदते हैं कोई भी मतलब एक छोटा सा पार्ट खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं बिजनेस का हिस्सा खरीदते हैं ना हम भाई तो हम बिजनेस को समझते हैं उसके बाद ना अगर रियलिटी में मान लेते हैं कोई इंसान आपके पास आता है बोलता है कि भाई देखो हम मैं एक कंपनी खड़ा करने वाला हूँ चलो एक काम करो तुम मुझे मान लेता है कि तुम मुझे बोलेगा कि बीस लाख रुपये दो ठीक है और मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो आप क्या पूछे हुए क्या पूछे हुए कि भाई स्टॉक कितना दोगे नहीं क्या पूछे क्या बिज़नेस है कब से कर रहे हो कितना एक्सपीरियंस है है कि नहीं क्या बेच रहे हो और लोगों का ये नीड है वांट है क्या ये डेली बेसिस पे है क्या तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या है यूनिक क्या है थोड़ा अलग क्या है और तुम ये क्यों करना चाहते हो और अगर ये सक्सेस होता है तो कितना कमा सकते हैं ये सारी जानकारी हम पूछते हैं है, है कि नहीं है लेकिन स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं स्टॉक भाग रहा है खरीद लो और इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं एक ऐसा स्टॉक जो नाइन्टी गिरा हुआ था उसके बाद जब वो भागना स्टार्ट किया ना भाई तो लोग देखते ही रह गए देखते ही रह गए और ये इंसिडेंट ना स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है देखो ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होता है देख लो कितना 95 परसेंट आपको दिख रहा है चार्ट को सेट करने से 98 परसेंट से ऊपर है स्टॉक इतना ज़्यादा गिर चुका था अब देखो ये स्टॉक्स ने दो टाइप के रिटर्न निकाल के दिए हैं ध्यान से समझेंगे ऊपर लेके चलते हैं ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक्स ने 1000 परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया है अब यहाँ पर दिख रहा है कि भाई फिफ्टीन परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया है तो ये होते हैं भाई स्मार्ट लोग जो हर चीज़ को हाई पे ख़रीदते हैं इस वजह से इनको कुछ खास रिटर्न कभी नहीं मिलता कभी नहीं मिलता और ये होते हैं वो लोग जो कंपनी में भरोसा करते हैं और जब चीज़ें और सस्ता हो जाता है तो उसको और खरीदते हैं कोई स्टॉक गिर जाता है तो लोग भाग जाते हैं नहीं खरीदते हैं देखो नीचे खरीदोगे तो कितना फ़ायदा होता है आपको फिफ्टीन का रिटर्न मिला है और यही चीज़ किसी ने अगर हाई में ख़रीदा होता तो केवल वन का रिटर्न डिफरेंस देख रहे हो डिफरेंस देख लो छोटा सा डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है तो हर गिरा हुआ स्टॉक बेकार नहीं होता उसके बाद आप देख लीजिए किस तरीके से धीरे 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 स्टॉक भागना स्टार्ट किया आप देख लीजिए रैली किस तरीके से आ रही है और ऑल टाइम हाई पे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है रिफिक्स इंडस्ट्री यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये स्टॉक्स पहले बहुत ज़्यादा गिर चुका था 88 परसेंट आपको दिख रहा उसके बाद जब ये चलना स्टार्ट किया तो भाई 18,000 परसेंट का रिटर्न निकाल के दे दिया अठारह हज़ार परसेंट से भी ज़्यादा रिटर्न है यहाँ वन परसेंट का रिटर्न है फर्क पता चला तो हर गिरा हुआ स्टॉक ख़राब नहीं होता है बिल्कुल नहीं होता जैसे कि लोगों के हिसाब से बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर बहुत अच्छा स्टॉक है एक दिन ऐसा था बजाज फाइनेंस को ना लोग माँ बहन की गाली देने के लिए भी तैयार थे लोग मतलब इसको कंपनी नहीं आतंकवादी घोषित कर दिए थे क्यों रीज़न बताता हूँ मैं आपको देखो रीज़न देखो आपको पता चल जाएगा जब बजाज फिंसर मार्केट में आया था कितना बड़ा लॉस दिया था सेवेंटी का लोग चुप रहेंगे क्या बताओ चुप रहेंगे क्या इतना ज़्यादा लॉस बताओ उसके बाद बजाज फाइनेंस के बारे में तो पूछो ही मत भाई अगर लोगों के हाथ में कानून दे दिया जाता ना तो इस कंपनी को उठा कर ही देते क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ये तगड़ा नुकसान दिया था ये स्टॉक्स ने ये भी सिक्सटी परसेंट आपको दिख रहा है एटी थ्री परसेंट का लॉस छोटा मोटा लॉस होता है और जब से कंपनी आया था यहाँ पर देखो तो चलता ही नहीं था चलता ही नहीं था चलता ही नहीं था ऊपर से एटी थ्री परसेंट का लॉस और कंपनी चलता भी नहीं था कितने साल लोग इंतज़ार करेंगे भाई कितने साल लोग इंतजार करेंगे हाँ 2002 से देखोगे तो 2014 के बाद ये चलना स्टार्ट हुआ 10-15 साल देख लो उसके बाद ये चलना स्टार्ट किया ना बताओ लोग इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाते थे ऐसे स्टॉक्स पे इतना ज़्यादा मतलब देखो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे भाई लोग कितना पेशेंस रख सकते हैं एक साल दो साल तीन साल वर्न बफेट का मानना है कि किसी चीज़ को अगर आप खरीदते हो तो दस साल के लिए होल्ड पक्का करो देख रहे हो ना तो आज लोग इसको भगवान मानते हैं कल इसको शैतान मानते थे ये डिफरेंस क्यों क्योंकि भाई अगर पैसा दे रहे हो ना तो सब कुछ सही है वही चीज़ है तो स्टॉक्स ने आज के डेट में इतना बड़ा प्रॉफिट निकाल के दिया है तो लोग अच्छा बोलते हैं पहले लॉस दे रहा था तो लोग ख़राब बोल रहे थे तो ख़राब और अच्छा कुछ नहीं होता बिज़नेस समझ में आना चाहिए बस उतना ही होता हम चीज़ों को समझते नहीं है बिना समझे सही गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ अदानी की खबर आई थी तो लोगों ने अदानी को गलत बोलना स्टार्ट कर दिया और जो लोग अदानी के फेवर में बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि भाई ये भी अदानी के साथ मिला हुआ है करके अब सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दिया आप क्या बोलोगे क्या बोलोगे सुप्रीम कोर्ट ने सेबी ने भी बोल दिया कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं चला यहाँ तक ये भी बोले थे कि एस ने लोन दिया है हाँ एल डूब गया एल तो और पैसा डाला है एल ने दोबारा पैसा डाला है कुछ समय पहले ही बताओ एस ने बोला मैं और लोन दूंगा बोलो भाई इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्या होता है ये पॉलिटिक लेवल में चली जाती है ये चीज़ें और लोगों को भड़काने के लिए देखो हिंदू मुस्लिम अगर आप देखोगे तो चार साल के लिए भाई भाई रहते हैं सब कुछ ठीक रहता है लेकिन जैसा एक और साल आता है ऐड कर देते हैं पाँचवा साल आता है वो इलेक्शन का टाइम होता है ना तो सब लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो यही चीज़ होता है मैं आपको बता देना चाहूँगा अब तो सेबी ने भी बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया और बोलेंगे भाई जो लॉस हुआ है उसका क्या उसका क्या जिसके साथ में आप खड़े थे हिंडनबर्ग के साथ में वो आपका पैसा लेके चला गया अभी देश में आप किसी की हिम्मत है जो लेकर आ जाएगा आप तो चुपचाप सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई क्योंकि जो अपने देश में काम कर रहा है लोगों को रोजगार दे रहा है देश की इकोनॉमिक आगे बढ़ाने में देश को आगे ले जाने में मदद कर रहा है और भाई एक तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंसान अगर आप देखोगे तो साठ साल की उम्र में सिक्सटी करोड़ का तो डोनेशन दिया लोग बोल रहे हैं कि भाई दो लाख करोड़ का डेट है तीन लाख करोड़ का डेट है अरे भाई सिक्सटी सेवेंटी करोड़ का तो ये केवल डोनेशन दे रहा है कुछ भी होता है कोई प्रॉब्लम होता है कोई डिजास्टर आता है कुछ भी होता है तो यही लोग आगे आते हैं समझ रहे हो ना देश कोविड में कोविड में अगर आप देखोगे तो कोविड में देश बहुत ज़्यादा संकट में था किसने आम जनता ने पैसा दिया था डोनेशन में बड़े बड़े लोगों ने ही दिया था पैसा बड़े बड़े लोगों ने ही दिया था अगर आप अदानी अंबानी टाटा ये पाँच दस लोगों को निकाल दोगे भारत से तो फिर जॉब कौन देगा समझा करो तो इसीलिए बोलूँगा जज बनने की कोशिश मत करो चीज़ों को समझो क्या गलत है क्या सही है करके हम समझते नहीं हैं एक्शन ले लेते हैं ऑटो सेक्टर में लोगों को आयशा मोटर बहुत पसंद है लेकिन क्या आयशा मोटर के बारे में आपको पता है आयशा मोटर का एक ऐसा दिन आ चुका था जो कंपनी बैंक्रप्ट होने वाली थी कंपनी बंद होने वाली थी एक ऐसा दिन आ चुका था हाँ बिल्कुल आ चुका था कंपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती थी वो सारे चीज़ों के लिए काम करना बंद कर दिया और केवल दो प्रोडक्ट को ही लेके कंपनी ने आगे बढ़ा एक जो इसका रॉयल एनफील्ड है और ये जो हैवी व्हीकल्स का बहुत सारे काम करती थी पहले क्या ये आपको पता है कि आयशा मोटर बैंक्रप्ट होने के तगार पे हो चुकी थी भाई ऐसे स्टॉक्स में कोई पैसा लगाएगा नहीं लेकिन आज आज मतलब कोई भी खरीदेगा तो ऐसे स्टॉक को खरीदेगा पहले ये चलता था क्या पाँच साल दस साल तो पेशेंस रखो गिरावट हर जगह होता है केमिकल सेक्टर में बोला जाता है यूपीएल से कोई बड़ा कंपनी नहीं है कोई भी बड़ा कंपनी है निफ्टी फिफ्टी का लार्ज कैप स्टॉक है इसकी तारीफ करते हैं लोग देखो ये कितना बड़ा गिरावट देखने को मिला था बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था कितना बड़ा ये इस तरीके से क्रैश हुआ था मनों की फ्रॉड ही हो गया सेवेंटी टू परसेंट देख लो किस तरीके से कितने स्पीड से ये गिरा था उसके बाद देखो धीरे 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 आज के डेट में कहाँ जा चुका है तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं सेवेंटी परसेंट देखो फिफ्टी परसेंट का जो गिरावट होता है ना ये नॉर्मल होता है कॉमन होता है टेंशन वाली बात नहीं इतना होता है समझ लो ना इतना होता ही है ये स्टॉक मार्केट का नेचर है इतना होता है अगर सेवेंटी परसेंट हो रहा है तो मैं आपको बोलूँगा ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस कंपनी के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए कम से कम दस साल का आपको एनुअल रिपोर्ट पक्का पढ़ना ही पढ़ना है उसके बाद उसके रिपोर्ट पढ़ने हैं पीडीएफ देखने हैं उसके उसके बाद कंपनी के वेबसाइट पे आपको जाना है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है कितने क्या है कितने कॉम्पिटिटर हैं कंपनी क्या अलग कर रही है सारी चीजें आपको जानकारी लेना है और अब तक कंपनी ने क्या खास किया है तब जाके आप स्टॉक में पैसा लगाए लोग क्या देखते हैं अच्छा ये कंपनी का नाम है ये प्राइस चल -E है आर ओ ई है सी आर ओ ई है प्रमोटर्स के पास इतना हो गया हाँ कंपनी अच्छी है इतना देखने से नहीं होता भाई अगर ऐसा रहता ना तो अभी इंडिया चांद पे रहता और इंडिया में लोग ये नहीं बोलते रहते हैं कि रोजगार नहीं है रोज़गार नहीं है ऐसा नहीं बोलते फिर अमेरिका से दस गुना आगे होता है इंडिया समझने की कोशिश करो इतना आसान नहीं होता है समझ रहे हो ना देखो पढ़ाई सभी लोग करते हैं मेहनत सभी लोग करते हैं लेकिन अगर आप देखो तो फर्स्ट आने वाला केवल एक ही इंसान होता है कुछ भी कर लो आप है कि नहीं है फर्स्ट आने वाला केवल एक ही इंसान होता है मेहनत सभी लोग करते हैं तो वो कुछ अलग और कुछ ज़्यादा ही करता है भाई तो आप देखिए स्टॉक गिरा हुआ है क्यों गिरा हुआ है समझिए बिजनेस को पैसा कोई भी लगा सकता है है कि नहीं है और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो जहाँ पर आपका डिमिट अकाउंट बिल्कुल फ्री है डिलीवरी चार्जेस फ्री केवल ट्वेंटी रुपीज़ लगेगा वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया मिनटों में जाकर अपना डिमिट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में